रूस की नेटो से सीधी जंग का खतरा बढ़ा। नेटो देशों की सीमा पर रूस का एटमी युद्धाभ्यास। नेटो देशों की सीमा के तो 13 लोकेशंस पर रूस का एटमी युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। तो अब बड़ी खबर क्या है, नेटो देशों की सीमा के 13 लोकेशंस पर रूस के एटमी युद्धाभ्यास को लेकर बड़ी खबर यह कि नेटो देशों की सीमा पर रूस जिस तरीके से लगातार गतिविधियां बढ़ाता जा रहा है, बड़े संकेत मिल रहे हैं और उसी के तहत कहना गलत नहीं होगा कि रूस की नेटो से सीधी जंग का खतरा अब लगातार समीर बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, इस बात के आसार हैं, इस बात की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। रूस से लगती नेटो देशों की सीमा पर नेटो सेनाएं युद्धाभ्यास कर रही हैं। ये देखिए नेटो वर्सेस रूस वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कैसे, जरा समझिए। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में नेटो रूस पर हमले की प्रैक्टिस कर रहा है। इस बात से भड़के रूस ने फिनलैंड से लेकर लातविया तक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। रूसी सेना के मुताबिक फिनलैंड से लेकर लातविया तक रूसी सेना एक नहीं, दो नहीं, 13 लोकेशंस पर युद्ध की तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं, फिनलैंड, एस्टोनिया और लातविया से लगती सीमा पर क्रेमलिन ने एटमी फोर्स भेज दी है। इसके अलावा बेलारूस में रूस और बेलारूस की सेना टैक्टिकल न्यूक्लियर एक्सरसाइज कर रही है। माना जा रहा है कि रूस बेलारूस से लगने वाले देशों पर इसी फ्रंट से एटमी हमला करने वाला है। नेटो देशों के खिलाफ पुतिन ने समंदर में भी चक्रव्यूह तैयार कर दिया है। रूस ने अपने दो बड़े दुश्मन फ्रांस और ब्रिटेन के पास तैनाती कर इन दोनों देशों की भी घेराबंदी कर दी है। तो यानी ये अगर कहा जाता है कि ये पुतिन के खिलाफ एक बड़ा चक्रव्यूह है और कैसे वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारियां हो रही हैं, तो ये ऐसे ही नहीं है। आप देखिए क्या क्या हो रहा है। रूस ने फ्रांस और ब्रिटेन के पास परमाणु सबमरीन और युद्धपोत भी तैनात कर दिए हैं। ये है इस वक्त की हकीकत मनीष। ये तैयारियां, ये युद्धाभ्यास आने वाले वक्त के लिए कितने घातक संकेत देती हुई नजर आती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस स्केल की तैयारी हो रही है, इससे तो नहीं लग रहा है कि यह केवल दिखावे की तैयारी है या महज संदेश की तैयारी है। मामला सीरियस है और लगातार रूस इस बात को कह रहा है। बल्कि कल विक्ट्री डे पर पुतिन ने यही बात कहने की कोशिश की कि हम नहीं चाहते कि ग्लोबल क्लैश हो, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्स तैनात है। और हमने विस्तार से बताया कि किस तरह की उन्होंने तैयारी की है, फिर चाहे वो बेलारूस के बॉर्डर पर हो या फिर सेंट पीटर्सबर्ग के इलाके में हो जहां से वो स्वीडन और फिनलैंड को कंट्रोल करेगा, या कैलिनिनग्राद को। अब मैं आपको बताऊं, रूस को आशंका यह है कि जैसे ही लड़ाई शुरू होगी तो सबसे पहले यूरोपीय देश मौका पाते ही कैलिनिनग्राद पर कब्जा करेंगे। कैलिनिनग्राद वो इलाका है जो रूस के मेनलैंड से दूर, लेकिन वो बाल्टिक कंट्री और पोलैंड से घिरा हुआ इलाका है। तो रूस को इस बात का डर है और उन्होंने पूरी परमाणु तैयारी कर